हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन कुकिंग। तो आज जो हम रेसिपी लेके आए हैं वो बहुत ही सिंपल रायते की रेसिपी लेके आए हैं। यहाँ पे हम आपको दो तरीके के रायते की रेसिपी बताएंगे जो आजकल गर्मियों में बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने के साथ और हेल्दी भी बहुत होते हैं। तो यहाँ पे दो तरीके के रायते हैं, एक तो है मूली का रायता और दूसरा है खीरे का रायता। तो यहाँ पे हमने लिया हुआ है मूली। मूली को साइड से कट कर देंगे और उसके बाद जो उसका ऊपर की लेयर है उसको हम हटा देंगे क्योंकि वो थोड़ी सी हार्ड रहती है। और जो समर्स में जो मूली आती है थोड़ी सी काफ़ी ज़्यादा हार्ड रहती है, जो विंटर्स में आती है वो सॉफ्ट रहती है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है उसको छील के और उसको वॉश करके रख लिया। उसके बाद हम खीरे को भी सेम प्रोसेस से जहाँ पे कड़वाहट होती है उसको हटा देंगे उस पार्ट को, और उसके बाद हम छिलके को छील लेंगे। और यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप छिलके को छीलें, अगर आप चाहें तो आप छिलके के साथ भी बना सकते हैं। और उसके बाद हम दोनों को वॉश करके रख लिया है, फिर हम इसको कद्दूकस कर लेंगे। और मूली अगर आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लगती है तो आप मूली को बॉईल भी कर सकते हैं, उसके बाद भी आप रायता बना सकते हैं। तो वो भी मैं रेसिपी किसी दिन आपसे शेयर करूँगी। तो ये देखिए मूली को मैंने ग्रेट कर लिया है, बिल्कुल मैंने जो ग्रेटर लिया है काफ़ी छोटे वाले उसका ग्रेटर लिया ताकि बहुत महीन सी मूली जो है ग्रेट हो जाए। सेम वही मैंने खीरे के लिए भी लिया है, लेकिन खीरा ऑलरेडी सॉफ्ट है तो आप चाहें तो खीरे के छोटे छोटे पीसेस का भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप उसको ग्रेट करें। और खीरे में बहुत ही ज़्यादा पानी होता है और ये हमारे लिए गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है अगर हम इसको खाने में इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे दोनों को ग्रेट कर लिया है, हम दोनों को अलग अलग बोल में निकाल लेंगे और मूली को भी हम एक बोल में निकाल लेंगे। और ये एक मूली में आप दो लोगों को सर्व कर सकते हैं और एक खीरे में आप दो लोगों को सर्व कर सकते हैं। आपकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आप जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं जिसके हिसाब से आपको देना हो। और उसके बाद हम लेंगे दही। दही यहाँ पे मैंने मार्केट का मंगवाया, आप चाहें तो दही जो घर में बनाया उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा आप छाछ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दही को हम अच्छे से फेंट लेंगे, लगभग हमने यहाँ पे दो छोटे डिब्बे दही के लिए हैं और उसको जो है हम अच्छे से फेंट लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रह जाए। दही आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी थिकनेस भी आपके अकॉर्डिंग है कि आप थोड़ा सा थिक चाहते हैं या थोड़ा सा पतला चाहते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ऐड करेंगे पानी क्योंकि दही बहुत ज़्यादा थिक रहता है, तो थोड़ा सा पानी ऐड करने से वो सही रहता है। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आप किस तरह का पसंद करते हैं। और उसके बाद जब इसको अच्छे से फेंट कर लेंगे तो हम दोनों में हाफ हाफ डाल देंगे। दही की क्वांटिटी टोटली आप पे डिपेंड है कि आप कम ज़्यादा डालना पसंद करते हैं या ज़्यादा डालना पसंद करते हैं। तो दोनों में हम दही डाल लेंगे और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे आगे का प्रोसेस। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएँगे मूली का रायता। मूली के रायते में हम ऐड करेंगे यहाँ पर कुछ मसाले। तो मसाले में हमने सबसे पहले लिया है धनिया पाउडर और यहाँ उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा पाउडर। ये दोनों जो मसाले हैं मैंने जीरा और धनिया को हल्का सा भून लिया था, तवे पे इसको भून लिया था। भूनने के बाद जो है हमने इसको पीस के रख लिया। उसके बाद हमने थोड़ा सा डाला है काली मिर्च पाउडर और थोड़े सा कटी हुई हरी मिर्च और हरा धनिया डाला है। और मसाले और बाकी चीज़ें आपके चॉइस पर डिपेंड करता है, आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है कि आप इसमें क्या डालना चाहते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से इसको सबको मिक्स कर लेंगे। और अभी हमने इसमें नमक ऐड नहीं किया है क्योंकि गर्मियों में नमक ऐड करने से बहुत ही जल्दी दही जो है वो खट्टा हो जाता है। तो नमक तभी ऐड करें जब आपको सर्व करना हो। तो ये देखिए इस तरीके से बनकर हो गया रेडी। तो ये मैंने जो रायता बनाया है वो बनाया है धनिया वाला, तो ये धनिया का रायता है और इसके ऊपर से डाल देंगे धनिया और ये बहुत ही टेस्टी रायता बनता है। तो ये बनकर हो गया है रेडी। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे खीरे का रायता। खीरे के रायते में भी जो है हम डालेंगे आधा चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच जीरा पाउडर और इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च और इसके अलावा डाला है चाट मसाला और इसके बाद हम डालेंगे नमक। और नमक जो है आप यूज़ करें वो काला नमक ही यूज़ करें क्योंकि उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है रायते में।
और ये जो रायता हम बनाने जा रहे हैं वो है पुदीने फ्लेवर का रायता। तो यहाँ पे हम डालेंगे पुदीना, क्योंकि आजकल गर्मियों में पुदीना आना स्टार्ट हो गया है और उसका भी रायता जो है बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप रायते में पुदीना डालेंगे तो उसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, अगर आप पसंद करते हैं तो। अगर आप नहीं पसंद करते हैं तो आप पुदीना ना डालें। तो ये बनकर रेडी हो गया है पुदीने का खीरे का रायता। और इसको बस हम थोड़ा सा पुदीने की पत्ती से ऊपर से गार्निश कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारा रायता हो गया रेडी। तो ये बहुत ही सिंपल रायते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप दोनों में अलग अलग मसाले डालें। आप चाहें तो एक ही मसाला ऐड कर, एक ही दही में सारे मसाले ऐड कर सकते हैं और दोनों में डाल सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का पसंद करते हैं। तो ये हो गया रायते रेडी। आई होप आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।